हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SS Lab TV इंडिया पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं WWE सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। WWE रॉ के एपिसोड में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने एक जबरदस्त मैच लड़ा। दरअसल उन्होंने चैड गेबल का सामना किया था और उन्हें इस मुकाबले में हरा भी दिया। फैंस की ओर से लगातार ब्रॉन को अच्छी प्रतिक्रिया मिलते ही आ रही है और रॉ में भी उन्हें देखकर फैंस खुश दिखाई दे रहे हैं। WWE रॉ में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने एक बड़ी जीत हासिल की। WWE रॉ में जॉनी गार्गानो और ओटिस के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिला था। इस मुकाबले में गेबल और ऑस्टिन थ्योरी के दखल देने के कारण ओटिस को फायदा मिला। जॉनी गार्गानो को हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद हील स्टार्स ने उन पर हमला किया। लग रहा था कि गार्गानो को एक बार फिर संघर्ष करना पड़ेगा। ब्रॉन स्ट्रोमैन के अचानक से एंट्री की और आकर ऑस्टिन थ्योरी और अलका अकादमी पर बुरी तरह से अटैक किया। WWE ने पहले ही स्ट्रोमैन और गोबल के बीच मैच बुक कर दिया था। इस अटैक के तुरंत बाद दोनों ही स्टार्स रिंग में आमने सामने आए। दोनों में साइज की काफ़ी ज़्यादा फर्क है और इसी कारण लग रहा था कि स्ट्रोमैन को आसानी से जीत मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। इस मैच में के दौरान चैड गेबल ने समय समय पर मॉनिस्टर ऑफ ऑल मॉनिस्टर को कड़ी टक्कर देने की कोशिश की। हालांकि अंत में स्ट्रोमैन का पलड़ा भारी रहा। उन्होंने गेबल को धराशायी किया और फिर उन पर अपना फिनिशर पावर बॉम्ब लगाया, साथ ही पिन करके जीत दर्ज की। इस मैच के बाद उन्होंने शानदार तरीके से सेलिब्रेशन किया। अब देखकर लग रहा है कि उनकी स्टोरी लाइन का अंत हो गया है। दरअसल स्ट्रोमैन ने कुछ हफ्तों पहले वापसी करके अलका अकादमी को मुख्य रूप से निशाना बनाया था। इसके बाद से उनकी स्टोरी लाइन देखने को मिल रही थी। स्ट्रोमैन ने ओटिस को हरा दिया था और अब उन्हें चैड गेबल पर भी जीत मिल गई। अब शायद ही उनके बीच स्टोरी लाइन जारी रहेगी। स्ट्रोमैन को क्या नया चैलेंजर मिल सकता है? जी हां दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।